हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है जी चिकन एग नूडल्स, जो कि मेरे स्टाइल में। तो चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जी सबसे पहले हम नूडल बॉयल करेंगे। तो नूडल बॉयल करने के लिए सबसे पहले हमने पानी जो है ना वो रख दिया है। तो पानी हमारा जो है ना वो गर्म हो चुका है, इसमें बॉयल भी आने शुरू हो गया है। तो अभी इस पॉइंट पे आके हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक यानी के साल्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल, बिस्मिल्लाह। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल और वाटर जो है ना, नमक जो हमने डाले वो मिक्स हो जाए। और अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल। नूडल जो है ना मैंने तोड़ के डाले हैं, आप इसी तरह डालना चाहते हैं डाल लें। मैंने तोड़ के इसलिए डाले कि मेरे बच्चों को नहीं पसंद, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो वो उनको पसंद नहीं, तो इसलिए मैं ना बीच में से तोड़ के डालती हूँ। तो आपने इसी तरह डाल दें, अगर तोड़ के डाल दें आपकी अपनी मर्जी। मैं दरमियान में से तोड़ के डालती हूँ, सिर्फ दरमियान में से तोड़ना है। और यहाँ पर जिसको हम ढक कर छोड़ देंगे, अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं, तो वेट करते हैं। तो जब तक ये तैयार होते हैं हम जो है ना चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। और यहाँ पर जी हमने 250 ग्राम जो है ना चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है। तो उसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब कर लिए और अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी डार्क सोया सॉस। यहाँ पर जी 1.5 टीस्पून में इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून में इसमें वाइट विनीगर ऐड करूँगी। मुझे विनीगर की स्मेल ज़्यादा नहीं पसंद तो मैं इसलिए 1/2 टीस्पून ऐड करने लगी हूँ। आपको पसंद है तो आप 1 टीस्पून ऐड दें। और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी यानी कि सॉल्ट। और साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून वाइट पेपर। वाइट पेपर की जगह आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से आप चिकन को मिक्स कर लें कि अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। हमने इसको रखना नहीं है, साथ ही हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। अगर आप रेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं साथ ही, ज़रूरी नहीं है आप इसको रेस्ट दें, आप साथ ही शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैरिनेट कर लिया, तो साथ ही अभी हम इसको ऑयल रखते हैं। और यहाँ पर हमारे जो नूडल हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं, फिर हम इसको एक छन्नी में निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह। यहाँ पर जी हमने सारे नूडल जो है निकाल लिए और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ठंडा पानी डालेंगे। ये नूडल हमारे जो ना आपस में जुड़ ना जाए। यहाँ पर जी हमने ठंडा पानी डाल लिया, तो अभी इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर जी हमने फ्लेम जो है ना वो ऑन कर दी है और ऑयल ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी हमने ऑयल भी ऐड कर दिया, हम वेट करेंगे ऑयल को गर्म होने तक का। और यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, चिकन को हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने फुल ही रखना है, फुल फ्लेम पे इसको हमने जो है ना करना है, फ्राई करना है। यहाँ पर जो हमारा जो चिकन था वो फ्राई हो चुका है, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे अभी। यहाँ पर हम सारा चिकन जो है निकाल देंगे। Is it happy? No, thank you. I'll eat my bread. Okay. Mixing. Why you sit down?
यहाँ पर जी हमने सारा निकाल लिया है, अभी हम इसको करेंगे साइड पे। यहाँ पर जी ये हमने साइड पे कर दिया। और यहाँ पर जी मैंने सब्जियां जो वो भी कैट के जो ना काट के रेडी कर लिए। और यहाँ पर जी मैंने ये लिया है बंद गोभी यानी कि कैबेज, ये अराउंड एक कप के बराबर है। यहाँ पर ग्रीन ऑनियन मैंने लिया है यानी ये हरा प्याज, ये भी अराउंड एक कप के बराबर है। और यहाँ पर मैंने आधा कप जो ना गाजर ली है यानी कि कैरेज। और यहाँ पर जी मैंने शिमला मिर्चें ले ली हैं, तीन शिमला मिर्चें ली हैं मैंने, एक ग्रीन एक येलो एक रेड है। आपके पास अगर ग्रीन है आप ग्रीन ही डाल दें, मेरे पास ये डिफरेंट कलर में थी तो मैंने डिफरेंट कलर में ले ली हैं। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने तीन अंडे ले लिए हैं यानी कि एग, इनको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के मैंने इनको सिर्फ जो है ऐसे फेंट लिया। और यहाँ पर जी मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैं फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पर जी बस ब्रश की मदद से ना हल्का सा लगाऊंगी ऑयल, क्योंकि ये नॉन स्टिक वाला है तो नॉन स्टिक में ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। तो और यहाँ पर जी हम साथ इसमें ऐड कर देंगे जो अंडे हमने फेंट के रखे थे, साथ हम इसमें जो ऐड कर यहाँ पर जी हम अंडे फ्राई कर लेंगे। और एक साइड हमारी हो गई है, इस साइड हम चेंज कर लेंगे। साथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो इसलिए मैं मुझे थोड़ी सी ना मुश्किल हो रही है, तो इसको मैं ऐसे पका के हम थोड़ा सा मोटा मोटा जो है ना काट लेंगे। चाहे आप थोड़ी सी काट ले, चाहे आप इसी चम्मच की मदद से काट ले, कैसे मोटा मोटा मैं इसको उतार के फिर छुरी की मदद से ना काटूंगी ठीक तरीके से। अभी मुझसे ये चम्मच के साथ ठीक से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने एक हाथ में आपको बताया ना मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो इसलिए तो ये यहाँ पर जो मरंडे जो वो डन हो चुके हैं, तो फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। वो हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जी हमने देखसे को दोबारा से रख लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया। अभी इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून अराउंड दो से तीन टेबल स्पून के बराबर है ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगा, मेरे पास वन टेबल स्पून है गार्लिक और वन टेबल स्पून जिंजर। इसको डाल के हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और सोटे कर लेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, बस इसका कलर नहीं चेंज करना हमने, सिर्फ हल्का सा इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर ये देखिए जी ये हमारा फ्राई हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी इस पॉइंट पे आके हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन हमारा जो है ना पहले से फ्राई हो चुका है, हमने सिर्फ इसको हल्का सा इसमें फ्राई करना है कि जो गार्लिक जिंजर हमने डाला है उसका जो फ्लेवर है चिकन में अच्छी तरह से चला जाए, तो इसलिए हमने चिकन जो है ना गार्लिक के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हमने ये डाल दिया, उसको हल्का सा फ्राई किया है और साथ ही हमने चिकन डाल दिया कि जो गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट है ना उसका जो फ्लेवर है ना वो चिकन में चला जाए। तो हल्का सा हमने बस ना कुछ सेकंड जो है इसको करना है। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, एक मेरे पास चिकन क्यूब पड़ा हुआ है तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन क्यूब। आपके पास अगर चिकन मसाला है वो ही आप ऐड कर दें, चिकन मसाला जो है वो वन टेबल स्पून या वन टी स्पून आप ऐड कर दें। और एक चिकन क्यूब, अगर चिकन क्यूब है तो वो एक चिकन क्यूब इसमें ऐड कर दें। चिकन क्यूब डालने से ना इसका फ्लेवर जो है बड़ा अच्छी तरह से आता है, फ्लेवर जो है बहुत नाइस होता है। तो उसमें ये हमारा फ्राई हो चुका है, इस पॉइंट पे आकर हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जी जो हमारी वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल आप जो है ना वो अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। चिकन हमारा जो है वो पहले से डन था तो हमने हल्का सा इसको फ्राई किया, बस 45 सेकंड हमने इसको सिर्फ फ्राई किया है। तो इस पॉइंट पे आकर हम डाल देंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल जो है ना वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो जो आपको पसंद है। और के साथ ही हम इसको मिक्स करते चाहेंगे कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं ना वो चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक साथ डाल के ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मिक्स करने में भी। साथ ही मैं कैरेट भी ऐड कर दूँगी, सारी जो वेजिटेबल्स हैं ना ये सारी मैं ऐड कर दूँगी।
कैरेट में कम ही डालने लगी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी है, तो आप अपने हिसाब से जो मैं डाल सकते हैं। बाकी सारी वेजिस मैंने डाल दी, सिर्फ जो है गाजर जो कैरेट है वो मैंने कम डाल दिए। बस ये थोड़ी सी कैरेट बच गई है, बस इतनी सी छोड़ी है मैंने, बाकी सारी डाल दी मैंने। बस मुझे कैरेट थोड़ी ज़्यादा लगी है मैंने, इसलिए थोड़ी कम डाली है। अगर मुझे लगा तो मैं इनसे डाल दूँगी। तो अच्छी तरह से हम इसको सोते करेंगे, फ्लेम को हम फुल रखेंगे, लो फ्लेम नहीं करनी वरना सब्ज़ी जो है ना उसके पानी छोड़ देगी, सब्ज़ियाँ तो जो वेजिटेबल्स हैं वो पानी छोड़ेगी तो फिर वो ढीली हो जाएंगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। इनमें क्रंच जो है ना वो पकाया रहना चाहिए, उनका करंट ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने फ्लेम को फुल ही रखा है। फुल फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि सब्जियों का जो क्रंच है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। चाइनीज नूडल का मतलब यही है कि सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारी जो सब्जियाँ वो फ्राई हो चुकी हैं, इस पॉइंट पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। नमक हमने पहले यानी कि सॉल्ट, नमक यानी कि सॉल्ट, इसलिए हमने नमक पहले नहीं डाला क्योंकि अगर हम पहले डालते तो सब्जियों ने जो है पानी छोड़ देना था तो वो उनका जो क्रंच था वो ख़त्म हो जाना था। तो इसलिए अभी हमारी जो वेजिटेबल हैं वो रेडी हैं, तो इसलिए हमने लास्ट में नमक डाला है। आप हमेशा नमक जो है वो लास्ट में डालें। तो इस पॉइंट पर आके हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स। ये हमारे रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम नूडल ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी हमने जो नूडल बॉइल किए थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए। अभी हम नूडल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नूडल को मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हो जाएंगे। यहाँ पर हमने नूडल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। वो लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर यानी कि व्हाइट सिरका, साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी लाइट सोया सॉस। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस। लाइट सोया सॉस मैंने डाला है 3 टीस्पून और डार्क सोया सॉस मैंने डाला है 2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको डाल के। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया था, अभी मैं फुल कर दूंगी। साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून चिली सॉस। यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ऐड कर दी है। चिली सॉस डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस हमने 35 से 45 मिनट के अराउंड इतना बस हमने इसको जो है फ्राई करना है। और यहाँ पर जी लास्ट पे आके हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने एग फ्राई किए थे। लास्ट में हमने उसके जो ना छुरी के साथ हमने छोटे छोटे बिल्कुल से कट कर लिए, ये देखो। तो एग भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। लास्ट में हमने एग भी ऐड कर दिए। और यहाँ पर हमारे जो नूडल हैं अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखे जी रेडी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो नूडल हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम इसको डिश में निकाल लेंगे। और हमने नूडल जी ये देखिए जी डिश में निकाल लिए और ये है जी हमारी नूडल की फाइनल लुक। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें और फुल वॉचिंग भी कर दे और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें कि मेरी रोज़ नई आने वाली वीडियो आपको फ्री को देखने के मिले। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।